अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजम अलवी। यू आर वॉचिंग माई वी लॉग चैनल। संडे को हमने एक न्यूज़ दी थी आपको सबसे पहले कि सी पैक का इफ्तिताह हो गया और वहाँ से ट्रेड चलने लगी है और काफ़ी तादाद में जो शिप आके लग रहे हैं। आज की खबर ये है कि ट्रक्स कम कर पड़ गए हैं क्योंकि पाकिस्तान को कई लाख ट्रक चाहिए कंटेनर, जिसके जरिए जो है चाइना का सामान जो है वो ग्वादर से ट्रकों पे लाद के और वहाँ भेजा जाएगा। जाहिर बात है, तो सुना है कि भाई इतना शिप आया, कई हज़ार कंटेनर हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो बड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। लेकिन ये कि खुशखबरी तो ये थी कि भाई अब चल पड़ा है, कंटेनर आ रहे हैं और सब कुछ चल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पीछे देख रहे हैं कि ये चल चल पड़ा है। और ये पीछे जो है आपके टीवी पे आ रहा है, ये खबर है कि भाई गवादर जो है तैयार हो गया है और माशाल्लाह से जो है ट्रेनें कंटेनर ये देखें पीछे, ठीक ठाक लोगों को जॉबें मिल रही हैं। और ये एक नई चीज़ है जो पाकिस्तान के लिए अभी इफ्तिताह हुआ है और लाखों की तादाद में बल्कि करोड़ों की तादाद में लोगों को जॉब मिलेगी जब सी पैक जो बना है रोडों के किनारे, जो हज़ारों की तादाद में रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप और दुकानें। और सबसे ख़ास बात जो मैं आज बताना चाहता हूँ आपको वो ये है, खैर पहले आपके राइट साइड पे लाल रंग का एक बटन है, उसको दबा दें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं वैसे अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे। खैर खबर अगली ये है कि भाई बहुत बड़ी तादाद में जो है, यानी जिस दिन इब्तदा हुआ है उसके दूसरे तीसरे दिन, जैसे संडे को हुआ है तो मंडे और ट्यूज संडे को ये खबर आई और मंडे ट्यूसडे को जो है बवादर की प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो डबल हो गई है। यानी जो प्रॉपर्टी लोगों ने 8-10 लाख की खरीदी थी जैसे ज़मीन, तो वो 20 लाख की हो गई है। इसी तरह घरों की तादाद डबल हो गई है और लोग दौड़ पड़े हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लोग ज़मीनें खरीदते हैं वहाँ पर। अभी ये कि थोड़ी तादाद में लोग रहते हैं, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता जब ये शुरू हुआ है तो अब बहुत बड़ी तादाद में जो है लोग मूव होंगे आगे इन फ्यूचर, अगले 4-5 साल में काफ़ी फ्लैट्स वगैरह बनेंगे, बड़े अच्छे प्रोजेक्ट बनेंगे, बिल्कुल दुबई की तरह। जैसे कि कराची के समंदर में उन्हें पाम बनाने की यानी इजाज़त मिल गई और अब ये है कि दुबई दुबई में जैसे पाम बीच बनाया, इसी तरह कराची के साहिल पर भी बनना शुरू हो रहा है। अभी थोड़ा सा वो उसके ऊपर काम चल रहा है और ये कि नक्शे वक्शे बना लिए हैं और कंपनी भी आ गई है, उन्होंने दूसरे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए और दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं कि वो समंदर के अंदर एक आइलैंड बनाएंगे मस्नूई, और उसके ऊपर कई सौ या हज़ार के करीब जो है बैंगलो वगैरह और बिल्डिंग वगैरह बनेंगी। और ये सब कुछ हुआ है किस वजह से, सी पैक के इफ्तिताह की वजह से। और अब देखिएगा आप फ्यूचर में कि बड़ी तेज़ी से जो है डेवलपमेंट होगी और बड़ी तेज़ी से जो है ये सारी तरक्की होगी क्योंकि प्रॉपर्टी की तादाद बढ़ गई है यानी कीमत बढ़ गई है। और हाईवेज जो बनाए हैं उन्होंने चाइना तक जो जा रहे हैं, तो हाईवे के दोनों तरफ जो है दोनों तरफ की ज़मीन जो है वो सोने के भाव बिकना शुरू हो गई है, लोग दौड़ पड़े हैं और जहाँ जिसको मिल रहा है लोग खरीद रहे हैं, बुरी तादाद में खरीद रहे हैं। और ये भी सुना गया है कि जो हाईवे चाइना तक बनाए, अब यहाँ पे एक बुलेट ट्रेन भी वो बनाने वाले हैं जिसके ज़रिए उनका माल ज़्यादा तेज़ी से जाए, क्योंकि पहला जो जहाज़ आया है वो सी फूड आया है और वो आया है यमन से। यमन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है सी फूड की और चाइना ने वो जहाज़ ख़रीदा है, यानी जहाज़ भर के आया है सी फूड आया है। और अगर वो जहाज़ डायरेक्ट चाइना जाता तो उसको लगते 28 दिन से डेढ़ महीने यानी 28 दिन से 40 दिन लगते चाइना पहुँचने में, लेकिन यहाँ एक हफ्ते में शिप गवादर पोर्ट पर लगा है और वहाँ से कंटेनर जो है वो ट्रकों पे लाते जाएंगे और वो ट्रक जब चल पड़ेंगे तो 4-5 दिन में जो है वो चाइना के बॉर्डर तक जाएंगे और वहाँ से फिर आगे जो है वो चाइनीज़ ट्रकों पे लोड कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने खुश्क गोदी बनाई यानी ड्राई पोर्ट बनाई है। ड्राई पोर्ट का मतलब ये कि एक बॉर्डर के पास बिल्कुल पोर्ट बना दिया, वहाँ से चाइना के ट्रक पे लाद दिया जाएगा कस्टम वगैरह करके या जो कुछ उसका है लवाजमान। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ से चाइना के बॉर्डर तक गवादर से तकरीबन 1,000-1,500 किलोमीटर है। अब 1,500 किलोमीटर जो एक हाईवे बना है उसके किनारे कितने होटल मोटल
और ढाबे शाबे और दुकानें सब कुछ लगे, लोगों को ज़मीन नहीं मिली, सारी ज़मीन खरीद ली लोगों ने और फिर वो महंगी बेच रहे हैं। और अब ये जैसे इब्तिदा हुआ तो सुना है कि ज़मीन की कीमत ही डबल हो गई है और लोग दौड़ पड़े हैं और बहुत तेज़ी से तादाद में लोग अपनी ज़मीनें भी बेच रहे हैं सब कुछ, क्योंकि पानी गैस सब कुछ वहाँ पर पहुँच ही जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान में तो गैस है ही और इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर एयरपोर्ट भी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बना दिया गवादर पे चाइना ने, वहाँ पे शेरेटन होटल भी बना दिया। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जाना चाहते हैं तो वहाँ जाके आप शेरेटन होटल में रुकें और अपने पसंद के वहाँ पे हज़ारों रियल इस्टेट वाले बैठ गए और अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया है। तो सबसे मज़े की बात तो यही है कि अगर आप गवादर में ज़मीन लेना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें कीमतें वगैरह भी बताई हैं ज़मीन की, और ये कि आप उसमें देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियो में, तो उसमें वो बताएंगे कि उसमें कितने की ज़मीन है, क्या है और क्या तरीक़ेकार है। वहाँ पे फ्लैट्स वगैरह, यानी ये है कि बुर्ज खलीफा टाइप की एक बिल्डिंग भी फ्यूचर में बनेगी वहाँ पे, पाम गवादर में भी पाम बीच बनेगा, गवादर के करीब एक आइलैंड है वो भी डेवलप हो रहा है सुना है। और जब आपको पता है कि चाइना जो है जब काम शुरू करेगा तो बड़ी तादाद में जो तेल भी ढूंढेगा वहाँ पे, और गोल्ड शोल्ड सारी चीज़ें जो है सब कुछ वहाँ पे दरियाफ्त होंगी। आप पीछे देख रहे हैं हज़ारों लोग जो ये गवादर की फिल्म है और जो आप पीछे टीवी पे देख रहे हैं। तो खैर, तो ये सारी चीज़ें हैं और इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि पूरी दुनिया पीछे लगी हुई थी पाकिस्तान के, कि भाई आप ना बनाए पोर्ट और हमसे पैसे ले लें और जितना चाइना का पैसा खर्च हुआ है हम सब पे कर देंगे, लेकिन अगर हम वो डील कर लेते तो उसमें वो लिखवा देते कि भाई 100 साल तक जो है आप ये रोड नहीं बना सकते। अब 100 साल में तो दुनिया इधर से उधर हो जाती है, क्योंकि इनकी लिमिट होती है हमेशा। जैसे तुर्की है, तुर्की का माहदा होता है सल्तनत उस्मानी जब ख़त्म हुई थी और उन्होंने बिल्कुल श्लिंग कर दी थी, तो वहाँ उन्होंने जाहिर बात है अब उनको छोड़ने के लिए कुछ एग्रीमेंट वगैरह होते हैं, तो उस एग्रीमेंट में ये शामिल था कि तुर्की में जो है इस्लामी कानून नहीं होगा, मस्जिदें बंद हो जाएंगी, कपड़े आप अपने यूरोपियन स्टाइल के पहनेंगे, सेक्युलरिज्म जो है वहाँ पे वो राइज हो गया था और उनसे सारे इलाके छीन लिए गए थे और उन इलाकों में जो है बाहर से लाके बादशाहों को बिठा दिया गया था जो आज आजाद बने हुए हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ऑटोमन एम्पायर ख़त्म होते थे, जो इलाके मिडल ईस्ट वगैरह के खाली हुए थे वहाँ पे उन्होंने बादशाह, जाहिर बात है यूरोपियन नहीं बिठाया था लाके उनको, और ये कह के ही बिठाया था भाई जब तक हम हाथ रखें, तो मैं शफकत का हाथ रखें तब तक तुम्हारी बादशाह चली वरना छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि हालात तो यही है उनकी, सिक्योरिटी और सारे हर चीज़ की ज़मानत तो उन्होंने ली हुई है, लेकिन आज उनके हालात अपने ख़राब हो गए, अमेरिका के यूरोप के हालात ख़राब हो गए, और वो ये चाहते हैं कि अब ईरान सऊदी अरब और ये एशिया में जंगे हों, जैसे कि इंडिया को चाइना से लड़वा दिया। अगर इंडिया चाइना से पंगा नहीं करता तो ना चाइना होता, ना इंडिया का मसला होता, ना कुछ होता, और पाकिस्तान से भी हालात ठीक कर लेते तो कश्मीर का मसला भी हल हो जाता और ये सारे मसले मसाइल हल हो जाते हो तो उन्हें भी फ़ायदा होता। और पाकिस्तान इतना ज़्यादा सिक्योर हो गया है, यानी ये सी पैक बनने से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गया है, अब हमें इंडिया से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर सी पैक बचाना है तो चाइना लड़ेगा इंडिया से। सबसे मज़े की बात यह है और इंडिया की भी परेशानी की बात यही है कि अब इंडिया लड़े तो कैसे लड़े, क्योंकि चाइना भी सामने खड़ा हुआ है। और अभी अभी आज ही की खबर है कि कई हज़ार कंटेनर जहाज आए हैं और एक ट्रक पे एक कंटेनर जाता है, एक ट्रक 4-5 लाख रुपए लगेंगे चाइना के बॉर्डर तक जाने में, 1400 किलोमीटर ऑयल और ट्रक का किराया सारा कुछ और ड्राइवर का किराया सब मिला के 4-5 लाख रुपए में ट्रक पहुंचेगा, एक ट्रक। और रोज़ाना जो है 500-600 ट्रक जाया करेंगे वहाँ, तो आप खुद सोच लें कि पाकिस्तान को कितना फ़ायदा है और कितनी जॉबें मिलेंगी। और आप ये भी देखें कि रोड के किनारे वो ट्रक ड्राइवर 1400 किलोमीटर तो चल के नहीं जाएंगे ना, हर 50 किलोमीटर बाद वो पेट्रोल पंप पे रुकेंगे, वहाँ पे खाए पिएंगे, पेट्रोल भरवाएंगे, तो हर 50 किलोमीटर के बाद एक मोटल होगा और हर 10-15 किलोमीटर के बाद एक पेट्रोल पंप होगा वहाँ पे, तो आप खुद सोच लें कितनी बड़े ट्रेड होगी। और उसके बाद जो है फिर कोच सर्विस, चाइना से डायरेक्ट कोच आया करेगी, टूरिस्ट आया करेंगे, और जाहिर बात है चाइना से 150 लोग जो है इंजीनियर जो कि गवादर पोर्ट पे काम करेंगे वो लोग भी आएंगे। फिर आप ये देखें कि चाइना जो माल फर्ज करें इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें, छोटे छोटे रेडियो हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गए छोटे छोटे, एक पैकेट में आजकल तो मोटरसाइकिल भी आ जाती है, जो वो क्या कहते हैं वो
वो जो है स्कूटी जैसे इंडिया में कहा जाता है, छोटी मोटरसाइकिल होती है मोपेड भी कहते हैं, तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए जाहिर बात है वो अपना सामान लाएंगे, लेकिन 1400 किलोमीटर जब ट्रक आएगा तो उसके पैसे बचाने के लिए, और फिर ईरान के अंदर भी यानी चाइना के अंदर भी 2-2500 किलोमीटर अगर दूर है फैक्ट्री और वहाँ से सामान आएगा तो 2-2500 या तकरीबन 3000 किलोमीटर चाइना से लेके ग्वादर बॉर्डर तक पहुँचेगा, लेकिन चाइना का वो पाकिस्तान की साइड का इलाका जो पूरा खाली पड़ा है, तो पूरा मैदान है, या तो वो उस इलाके में अपनी फैक्ट्रियाँ लगाएंगे चाइना के अंदर, लेकिन जो लोग पैसे ज़्यादा कमाएंगे वो चाहेंगे कि भाई ग्वादर पोर्ट के ऊपर हम अपनी फैक्ट्री लगाएं ताकि टाइम बचे और किराया बचे और ज़्यादा सस्ती प्रोडक्ट बने, फौरी तौर पे वहाँ पे सामान बनेगा असेंबल्ड होगा, और आगे से मैं असेंबल्ड ना भी होगा पैकेट आगे चले जाएंगे, वहीं ऐसे पूरी वो जैसे चिप्स कंप्यूटर चिप्स बनना शुरू हो जाएंगी, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान छोटा मोटा ये सारी फैक्ट्रियाँ वहाँ पे लग जानी है फ्यूचर में। और इस वजह से एक और मैं आपको इशारा देता हूँ कि जितनी भी डैम वगैरह बन रहे हैं ये इसीलिए बन रहे हैं कि फ्यूचर में उन्हें इलेक्ट्रिसिटी सस्ती की ज़रूरत होगी ताकि उनकी प्रोडक्ट सस्ती बने, तो आप खुद सोच लें। और फिर फ्यूचर में गवादर इतनी बड़ी जगह है, बलूचिस्तान का हिस्सा है, तो वहाँ पे सोलर एनर्जी के प्लांट, विंड एनर्जी के प्लांट लगेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी भी सस्ती हो जाएगी, फिर तेल निकल आएगा वहाँ पे अनकरीब, क्योंकि हमने तो निकाला नहीं, यूरोप की कंपनियों को हमने जो ऑर्डर दिए थे वो 30 साल तक ऑयल ढूंढते रहे लेकिन उन्हें मिला नहीं, क्योंकि इस किस्म के माहदे थे जो कि सुना गया है कि वो इंडिया से कुछ रोक टोक थी, फंडिंग हो जाती थी कि भाई तेल तलाश मत करो हमसे पैसे ले लो, इस किस्म की बातें भी हैं, लेकिन खैर जो कुछ भी है, लेकिन बात यह है कि सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को, ये जो सब रो रहे हैं बैठे हुए और सफाए मातम जो बिछा हुआ है इंडियन चैनल पे, कि आजकल आप चैनल देखें तो बेचारे, लेकिन जबकि मैं कहता हूँ कि भाई आप भी शामिल हो जाओ, झगड़े ख़त्म करो, बजाय इसके कि झगड़ा करोगे फिर अपने मुल्क की इकॉनमी ख़राब करेंगे, हम भी और आप भी और अमेरिका और यूरोप से असलाह ख़रीदेंगे, और आजकल यूरोप अमेरिका की कोरोना वायरस की वजह से हालात ख़राब हैं, तो उसको अपनी जो इकॉनमी ख़राब हुई है उसको पूरा करने के लिए वो एशिया में जंग चाहते हैं, और कोई भाई नहीं कि इंडिया और चाइना को वो लड़वा ही दें, क्योंकि उससे उन्हें बहुत फ़ायदे होंगे, एक तो सी पैक रुक जाएगा, ऊपर से चाइना की थोड़ा सा चाइना को डाउन करेंगे, और दूसरा जो है जाहिर बात है चाइना इतनी सारी कंपनियां सब कुछ है, ताकत बड़ी ताकत हो गई है, अब जाहिर बात है वर्ल्ड पावर जो है वो चाहती है उसके बराबर कोई ना आए, तो वो चाइना को थोड़ा सा दबाएंगे, चाइना को लेवल थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे, और वो तरीका है जंग का, जंग तो इंडिया से होगी लेकिन तीर कहीं और से चलाए जाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चाइना का नुकसान नुकसान हो, और वो फैक्ट्रियों वगैरह ये सारा कुछ, तो अगर चाइना और इंडिया की अगर जंग हुई तो ये जो सी पैक बना है चाइना की सारी कंपनियां उठ के गवादर पे लग जाएंगी बलूचिस्तान पे, आप खुद सोच लें, तो पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं जैसे कि हमारे बलूचिस्तान में जितने भी लोग हैं बड़े बड़े ज़मींदार वडेरे और इस टाइप के लोग हैं, बड़े बड़े कबीले हैं और बड़े बड़े मार्बल के पहाड़ गोल्ड के पहाड़ ये सब कुछ उन्हीं के अंडर में, उन्हें चाहिए कि अपने इलाके में अपनी फैक्ट्रियां लगाएं, बजाय इसके बाहर का कोई आदमी आके लगाए, अपनी फैक्ट्रियां लगाएं, चाइना से माल मंगाए, असेंबल्ड करें, आगे भेजें, अगर अपनी फैक्ट्री आज पहले लगा लेंगे तो ये चाइना की फैक्ट्री आएगी, जब तक वो करेंगे तब तक हमारी फैक्ट्री तैयार होगी और वो हम ही से माल खरीदेंगे, तो बलूचिस्तान के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको चाहिए, आगे ये मार्बल वगैरह की कहानी तो ख़त्म हो रही है ना, टेक्नोलॉजी लें, टेक्नोलॉजी हासिल करें, कंपनियां बनाएं, गाड़ियां बनाएं, हज़ारों चीज़ें बनाएं और बाहर एक्सपोर्ट करें, अब तो ये गवादर पोर्ट है, इससे बलूचिस्तान के सरदार बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको वहाँ के माहौल का भी मालूम है, ज़मीन भी उनके पास है, सब कुछ है, अपनी फैक्ट्रियां लगाएं, अपने लोगों को काम कराएं, आपको फ़ायदा भी होगा और इस तरह आप कमाएंगे, और फ्यूचर में जो है टेक्नोलॉजी जो है नई क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, फिर डिजिटल करेंसी आ जाएगी, तो खाना पीना तो बंद हो जाएगा, सबसे अच्छा है कि बनाएं अपने बच्चों को पढ़ाएं, बड़े बड़े स्कूल बनाएं, वहाँ के लोगों को पढ़ाएं और जॉब दें, ये सरदारी वरदारी जो है फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगी,
तो चाहे ना कि आने से पहले जितनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ खुद लगा लेंगे तो फायदे में रहेंगे। अब देखें मैकडोनल्ड की चेन है पूरी दुनिया में, अकेला मैकडोनल्ड पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा कमा रहा है। आपके जितने भी पहाड़ बिकते हैं साल के, उससे 10 साल की बराबर रकम जो है ये मैकडोनल्ड जो है एक एक दिन में कमा लेता है। तो इस तरह की चेन कोई बनाए, फूड की चेन बनाए, बजाय इसके कि बाहर का आदमी आए और हमारे मुल्क में आके कमाए, तो हम खुद क्यों नहीं कमाएं, हम भी कमा सकते हैं इस तरह। तो हमें चाहिए कि हम अपनी फैक्ट्रियां लगाएं, फ्लैट जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी अपनी बनाए। बलूचिस्तान के सरदार की बात कर रहा हूँ, गवादर जो उन्हीं के इलाके में बन रहा है, उनके तो मज़े ही मज़े हैं। आज जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है उसमें अपना हिस्सा डालें, तो अगले 10 साल में आप कमाना शुरू कर देंगे। जितनी आप फैक्ट्रियां बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की, जैसे कि गाड़ियों की फैक्ट्री लगाने, पैसों की तो कमी नहीं है। बजाय इसके कि आप झगड़े करें या दूसरे मसले जो आजकल जो वहाँ पे पार्टियाँ बनी हुई, ये पार्टीबाजी बेकार चीज़ है, सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि जाहिर बात है, अब हर आदमी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, वो जब उस पर देखता है कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर आदमी मुझ जैसा जो है वो एक एक वीडियो बना के करप्शन की इसकी उसकी डालता रहता है। तो मैंने तो खैर इस किस्म की वीडियो बनाना छोड़ ही दिए तकरीबन, क्योंकि पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा तो मुल्क ठीक होगा। जिन मुल्कों में ख़तरनाक किस्म की सज़ाएं हैं, जिन मुल्क में डिक्टेटरशिप है, वो मुल्क ही तरक्की कर रहे हैं। सच बात यह है, चाइना क्यों तरक्की कर रहा है, वहाँ पर कोई करप्शन नहीं करता, करता है पकड़ा जाता है, सर में गोली ठोक देते हैं और गोली के पैसे भी उसके घर वालों से वसूल कर लेते हैं। तो इस डर की वजह से लोग बिजनेस कर रहे हैं, पूरी दुनिया कमा रही है, हम पीछे ले रह गए। भाई इलाज के लिए हमें इंग्लैंड जाना पड़ता है, हमें से मुराद ये हमारे लीडरों को, हम में तो इतनी हिम्मत नहीं, हम इंग्लैंड जाएंगे, वैसे हम तो बैठे ही इंग्लैंड में हैं, तो हमें तो जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये कि गरीब लोग तो नहीं जा सकते, ये गरीब लोग एक दिन इनके बच्चे किसी ना किसी तरह पढ़ तो रहे हैं, तो फिर उसके बाद तो सरदारी और ये पाँव दाबना और ये सब कुछ जो कहानियाँ ख़त्म हो जाएंगी बादशाह। तो सबसे अच्छा है पूरी दुनिया से कमाई करो, बजाय इसके कि अपने मुल्क में किसी जॉब को हासिल करो और मुल्क के बजट में जो है वो हेरा फेरी करें। जारी बात है, बुरे कामों से भी बचेंगे, गुनाह से भी बचेंगे और कमाएंगे दबा के। तो अब पीछे टीवी पे बता रहे हैं कि ये कैसे हालत है, इन सब के हालात चाइना के अंदर भी ठीक हो जाएंगे सी पैक की वजह से। तो ये सारी बातें, तो इस चीज़ का गौर करें। और आमोदरफ शुरू हो गई है, इतनी गहरी पोर्ट है वो कि पहला जो जहाज़ लगाए 4-5 हज़ार कंटेनर से भरा हुआ, अब 4-5 हज़ार कंटेनर, तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक कंटेनर एक ट्रक ड्राइवर पर और एक ट्रक पे एक कंटेनर जाएगा, तो 5 हज़ार एक दिन में तो नहीं जाएंगे, 2-4 दिन में जो है वो अनलोड होगा। और वहाँ पे एक ही टाइम में 10 जहाज़ पानी के लग सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हर मिनट में एक ट्रक चाइना के लिए निकलेगा, हमारे अपने मुल्क में भी जाएगा सामान, उसके शिप भी आएंगे। कराची की पोर्ट देखें, अगर वो जहाज़ भी इधर लग गए तो आप सोच लें क्या होगा। तो फिर ट्रेन सर्विस, ट्रेन की पटरी तो बिछाना पड़ेगी, क्योंकि अगर एक जहाज़ पे 2,000 कंटेनर है तो 2,000 ट्रक रोज़ निकलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि तेल जो आता है चाइना का, जो बाई शिप जो जाता है वहाँ पे चाइना, वो अब तेल भी यहाँ उतरा करेगा, तो ऑयल टैंकर भी यहीं से जाएंगे, क्योंकि ऑयल टैंकर को भी तकरीबन 28 दिन से 2 महीने लगते हैं, और यहाँ से अगर जाएगा तो 1 हफ्ते में पहुँच जाएगा चाइना। तो कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, आप सोच नहीं सकते। इस वक्त सबसे अच्छा चांस है वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदें, लोग दौड़ पड़े हैं प्रॉपर्टी खरीदने पे, क्योंकि अब तो शुरू हो गया है, तो अब तो बैकअप तो होएगा ही नहीं। और अगर आप आज प्रॉपर्टी एक प्लॉट ख़रीदते हैं, फ़र्ज़ करें 40 लाख का या 20 लाख का या 5 लाख का, तो वो हर महीने उस प्लाट की कीमत डबल हो जानी है। आप सोचें वहाँ पे घर ख़रीद लें, और फिर उसके बाद वो घर जो है आपका 5 स्टार होटल वाले ख़रीदेंगे, तो आप कितना पैसा कमाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जब टूरिस्ट की आमदरफ होगी ज़्यादा, तो 5 स्टार होटल भी बनना शुरू होंगे, और बहुत ज़्यादा जो है टूरिस्ट प्लेस बड़ा ही खूबसूरत और बड़ी कुदरती है। और आप अगर यूट्यूब पे सर्च करें, यूट्यूब पे देखें, तो बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट, बिल्कुल नेक्स्ट दुबई बन रहा है, दुबई से अच्छा है गवादर। उसकी वजह यह, गवादर का जो वेदर है वो तो ठंडा है, वहाँ पे तो ठंड होती है, तो आप खुद सोच लें कितना कितना अच्छा होगा। अब दुबई में तो गर्मी पड़ती है 50 टेम्परेचर, गवादर में मैक्सिमम 30 होता है, वरना 20-22 रहता है, हर लिहाज से अच्छा है।
तो आप इस चीज़ को सोचें कि आप वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदें, और बलूचिस्तान के और पाकिस्तान के जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपनी फैक्ट्रियाँ लगाएं, बजाय इसके कि बाहर से कोई आके लगाए और हमारी सारी जो है वो खुद मज़े लूटे। खैर, हमें फ़ायदा तो उससे भी होगा अगर बाहर से आ जाएंगे, लेकिन हमारे अपने लिए लगाना कितना आसान है, बजाय इसके कि मनी लॉन्ड्रिंग करके इंग्लैंड में पैसे रखें, उधर रखें, वो पैसे तो आप वापस ला ही नहीं सकते। जा तो सकते हैं, जब वापस लाएंगे तब भी वो मनी लॉन्ड्रिंग होगी। तो मुल्क का पैसा मुल्क में ही लगाएं, सबसे आसान तरकीब है। इस वक्त बेहतरीन चांस है, अभी ज़मीन सस्ती है, आगे ज़मीन मिलना ही नहीं, सारा भर जाना है। अभी आप देख लीजिएगा, साल के अंदर अंदर गवादर में आपको ज़मीन नहीं मिलेगी, फिर ये गवादर से दूर मिलेगी, बलूचिस्तान तो पूरा खाली पड़ा है और हज़ारों एकड़ है, लेकिन ये कि अभी एक तो गवादर में, दूसरा जो सीपैक हाईवे बना है इसके साइडों की ज़मीन आप खरीदें, उसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अभी तो बहुत सस्ती होगी, क्योंकि अभी तो चला ही नहीं है। ख़रीद के डाल दें, या ख़रीद के डालें नहीं, ख़रीदें पेट्रोल पंप बना दें, पेट्रोल पंप बनाने में, या पेट्रोल पंप बना के छोड़ दें, ढाबा बना दें टेम्परेरी तौर पे, किसी को दे दें रेंट पे, उसके बाद जब आप देखें कि भाई कमाई शुरू हो रही है तो किसी पेट्रोल पंप वाले से, कंपनी से कहें, वो पूरा पेट्रोल पंप बनाते हैं। और बस ये होता है उनकी शरारत कि भाई 10 साल तक हमारा पेट्रोल खर्च खरीदो, जैसे शेल कंपनी या दूसरी, इनसे मुआहदा कर सकते हैं। तो इस वक्त सबसे अच्छा चांस है, इस चांस को आप लोग मिस नहीं करें, और गवादर अगला दुबई है, ये सोच लीजिएगा। दुबई में तो खैर पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन आजकल उसके हालात ख़राब हैं, लेकिन पाकिस्तान की साइड पे जो ये है इलाका गवादर का, एक तो मौसम बेहतरीन, आइडियल मौसम है, जो कि आपके यहाँ जैसे सिंगापुर या दूसरे जहाँ पे इतनी गर्मी नहीं पड़ती, 30 30 टेम्परेचर होता है, रात में 22 हो जाता है, लेकिन कराची से थोड़ा सा ज़्यादा ठंड है वहाँ पे, और बर्फ़ भी पड़ती है, बलूचिस्तान में तो बर्फ़ पड़ती है, क्वेटा वगैरह में इस साइड पे, तो बहुत ही अच्छी जगह है, बेहतरीन है, और कई लोग गए हैं आके बता रहे हैं कि डेवलप बड़ी तेज़ी से हो रहा है, और ज़मीनें वगैरह लोगों ने ले ली अच्छी खासी वहाँ पे, पूरे पूरे वो क्या कहते हैं, पूरी पूरी काउंटीज़ बन रही हैं, यानी बड़े बड़े इलाके जो है पूरे पूरे कंपाउंड बन रहे हैं। तो आप इस चीज़ पर गौर करें, और गवादर से रोज़ाना 1,000 2,000 5,000 ऐसे ट्रक लद लद के निकला करेंगे, क्योंकि मुझे तो दुनिया की सबसे गहरी पोर्ट है, जो कि कुदरती एक पहाड़ है, और पहाड़ से आगे पानी टकराता है, वो पहाड़ कुदरती पोर्ट बनी हुई है, सिर्फ उन्होंने थोड़ी सी वो लेवल में किया है पहाड़ को, और वहाँ पे आके जहाज़ लगता है और शक्ल ही चेंज हो गई है। ये सारे लोग जो परेशान है उसकी वजह ये है कि इंडिया के पास भी इतनी गहरी पोर्ट नहीं है, और सबसे ज़्यादा दुनिया में इस वक्त माल चाइना को चाहिए, सबसे ज़्यादा तेल दुनिया में, सबसे ज़्यादा तेल चाइना को चाहिए, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, सी फूड सबसे ज़्यादा चाइना को चाहिए। अब दुनिया में सबसे ज़्यादा सी फूड जो है वो यमन, यमन जो है वो एक्सपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा दुनिया में सी फूड, और वो चाइना भी वहीं से, चाइना के लिए भी आता है ये है। तो और बहुत सी चीज़ें, दुबई भी की पोर्ट है करीब, अब दुबई पर अगर जगह नहीं मिलेगी तो यहाँ लग जाएगा आके। तो आप देखिएगा, अभी तो 10 जहाज़ रुकते हैं, आगे इनकी प्लानिंग है कि वहाँ पे एक ही टाइम में जो है 100 150 जहाज़ लग सकें, लेकिन इन फ्यूचर तो सोच लें कि ये बड़ा बड़ा सिटी बनने वाला गवादर, और जाहिर बात है आजकल के लिहाज से अगर नए तरीके से डेवलप होगा तो बहुत ही खूबसूरत होगा ये। खैर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वो जो लाल बटन आपके राइट साइड पे, अगर वो लाल है तो उसको दबा दें, वो वाइट हो जाएगा, और अगर वाइट है तो ज़रूरत नहीं है, आप मेरी वीडियो को शेयर कर लें फेसबुक पे, ज़्यादा अच्छा है। अगर फेसबुक पे करेंगे तो थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, और आपको अगर सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले मेरी वीडियो मिलेगी। और ये गवादर पे आगे मैं गवादर पे कीमतें भी बताऊंगा, वहाँ पे जो नए नए बंगले बने हैं वो बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं, यानी 20 20 लाख रुपए के बंगले, तो उसके बारे में बताऊंगा, ख़रीद के डाल दें, इन्वेस्टमेंट कर दें, उसके रेट भी मैं बताऊंगा, वहाँ का जो रियल इस्टेट जो बेचने वाला है उसका नंबर भी दूंगा, और आप अपने तौर पे भी जो अगर हासिल कर रहे हैं, लेकिन कम से कम ये कि डायरेक्ट आप कॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या कीमतें हैं, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ, 20 लाख से 10 लाख 20 लाख 25 लाख से घर शुरू होते हैं, और फ्लैट्स वगैरह बनेंगे तो और ज़्यादा सस्ते होंगे, प्लॉटिंग तो बहुत सस्ती, प्लॉट तो बहुत सस्ते हैं। तो अगली मेरी वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा आपको कि
कि वो रेट्स वगैरह क्या है, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेट वगैरह भी पता चले जाएंगे। खैर, सारे पाकिस्तान को मुबारक हो कि संडे से जो है गवादर पोर्ट स्टार्ट हो गई है, सारे झगड़े ख़त्म हो गए हैं। क्यों? कि टाइट सिक्योरिटी रोड की होगी, क्योंकि चाइना की तरसील रुकी तो चाइना तबाह हो जाएगा। तो आपको पता है हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फ्यूचर में हम अपनी फ़ौज भी बॉर्डरों से हटा लेंगे, क्योंकि चाइना ही हमारी हिफाजत करेगा अगर उसे रोड बचानी है। खैर ठीक है, मैं हूं नजम अलवी, यू आर वॉचिंग माई वी लॉग चैनल, और आइंदा भी देखते रहें इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।